Hi, welcome to Indian Idol, ladies and gentlemen. Hello, welcome to Indian Idol. I wish I could have clicked that. I wish I could have clicked that. हाँ यार बिल्कुल, आज फैमिली का डे मैंने मनाया, तो चिल्ड्रंस डे है, तो आज बच्चों के साथ नहीं बिताया तो क्या किया, यू नो. सो आई एम वेरी हैप्पी. और पहली बार सर्कस हो रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बचपन में सर्कस देखे हैं मैंने, हमारे मालवीय नगर में दिल्ली में होते थे, वहाँ पे छोटे छोटे सर्कस होते थे, हम तो वही इन्जॉय करते थे. बट इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. नो आई हैवंट यार, आई हैव हर्ड अ लॉट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी सीइंग इट. So very happy and thrilled. यार हाँ, वो होते थे, वो टाइट टाइट पैंट पहन के हमारे कुछ आस पड़ोसी होते थे जो कुछ ऊपर से उठपटांग छलांगे लगाते थे. लेकिन अब तो ये जो है पूरे ट्रेंड है, वो जो सर्कस होती थी उसमें ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होते थे. सो नाउ अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हंगामा होने वाला अंदर. यार हाँ यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग शादी कर लेते हैं. मैंने तो काफ़ी टाइम पहले ही कर ली थी. सो वेरी हैप्पी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. शादी हो, सेटल हो और साथ में काम करते रहो, नथिंग नथिंग बेटर देन दैट. थैंक्स थैंक्स. कम हेलो. मेरे ख्याल से बचपन में मैंने कभी ना कभी सर्कस देखा होगा एक आध बार, लेकिन इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है मेरी जो सर्कस से जुड़ी हुई है. लेकिन इस इवेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है, दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं ये, और पहली बार हिंदुस्तान आए हैं, तो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टू वॉच इट. और मैं खुद एक डांसर हूँ, तो उस नज़रिए से देखने में बहुत मज़ा आएगा. बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हुनहार कलाकार हैं ये. तो मेरे ख्याल से, कैसे हैं आप? आदाब. इसे सर्कस कहना भी शायद कम होगा. ये एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा है. इसमें डांस एक्ट्स हैं, ख़तरनाक तरह के स्टंट्स भी होते हैं, तो सब चीज़ों की मिलावट है. तो बहुत एक्साइटमेंट है देखने के लिए, और मैं अपनी माँ को आज साथ लेके आया हूँ, तो उनके साथ देखने में और भी मज़ा आएगा. थैंक यू. इंशाल्लाह जल्द आपको पता चल जाएगा. देखिए वेडिंग्स का भी सीजन होता है. जी हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं बहुत खुश हूँ कि दो ऐसे लोग साथ में आए हैं जो जिन्होंने इतना प्यारा काम किया है साथ में. तो एज़ एन ऑडियंस, एज अ फैन भी, इट्स समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई विश देम द ऑल द बेस्ट. थैंक यू.